टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, पंचकुला से बड़ी जानकारी है, जहां पर हरियाणा दौरे पर गुजरात खेल विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल, खेल मंत्री संदीप सिंह और खेल निदेशक पंकज मैन से मुलाकात की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल नीति को लेकर चर्चा लगातार जारी है। स्टेडियम में प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए तमाम खिलाड़ी भी पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुजरात प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की खेल नीति की तारीफ की है और लगातार हरियाणा की खेल नीति और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं खेल के क्षेत्र में, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए सराहनीय कदम लगातार बनते जा रहे हैं और इसी का ही नतीजा है। चाहे बात टोक्यो पैरा ओलंपिक की हो या फिर बात टोक्यो ओलंपिक की हो, यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला और इससे सभी राज्य प्रभावित है कि हरियाणा की खेल नीति इतनी बेहतर कैसे है, यहाँ के खिलाड़ी अपना दबदबा और अपना परचम किस तरह से लहरा पाते हैं। और इसी वजह से आपको बता दें कि गुजरात का खेल विभाग इससे प्रभावित है सकारात्मक तौर पर। तो पंचकुला से बड़ी जानकारी, जहां पर हरियाणा दौरे पर गुजरात खेल विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल, खेल मंत्री संदीप सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन से उन्होंने मुलाकात की। इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल नीति को लेकर चर्चा लगातार जारी है और इसी के साथ ही स्टेडियम में प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए तमाम खिलाड़ी भी पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, इस खबर को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा दौरे पर आया है और खेल मंत्री संदीप सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। प्रतिनिधिमंडल जो है हरियाणा के खेलों के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल नीति को लेकर जो है वो चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों ने हाथ में तिरंगा लेकर जो गुजरात से जो प्रतिनिधिमंडल आया है उनका भव्य स्वागत किया है। खेल निदेशक पंकज नैन ने जो जानकारी दी है, गुजरात के खिलाड़ी और कोचेज पिछले हफ्ते भर से अलग अलग हरियाणा में अलग अलग जगह जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं और उनका जायजा ले रहे हैं। गुजरात अब हरियाणा के खेल मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, तमाम जो जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, तमाम जो चीजें हैं खेल नीति के तहत आने वाली हरियाणा की, उन सभी चीजों को ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और ताकि गुजरात में हरियाणा का खेल मॉडल है वो अपनाया जा सके। जी रवि, और इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर ये जो गुजरात से प्रतिनिधिमंडल आया है, ये कब तक प्रदेश के दौरे पर रहेगा? इसकी अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग जगह जाकर हर खेल का, जिस प्रकार से भिवानी बॉक्सिंग का हब है, सोनीपत कुश्ती का हब है, तो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग खेलों की तैयारी है, किस प्रकार से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार से जो प्लेयर्स है वो तैयारी करते हैं, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद जो है जो गुजरात है हरियाणा का खेल मॉडल जो है वो अपनाने का पूरा प्रयास करेगा और उसमें कहीं उनको कोई कमी लगती है या कुछ बात उनको समझ नहीं आती तो तमाम अधिकारियों से, खेल मंत्री से दोबारा मुलाकात की जा सकती है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। तो स्टेडियम में प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए तमाम खिलाड़ी भी पहुंचे थे। गुजरात प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की खेल नीति की तारीफ की है, सराहना की है और ये जानने की लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या खेल नीति है और किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है और हरियाणा की तर्ज पर गुजरात में खेल मॉडल को अपनाने